एवरीवन अगर आप डेटा एंड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लीड कोड एक बहुत ही सही वेबसाइट है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप, कर कम कम आप प्रिपेयर करो एंड इवन अपनी ड्रीम कंपनी को क्रैक करो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट वीडियो तो हम डायरेक्टली चलते हैं कोड के वेबसाइट पर आपको यहाँ पे आना है और सबसे पहले प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन पे आना है अब जैसे ही आप प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन पे आओगे यार लीडकोट के आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनफैक्ट आप देखोगे कि यार डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चन हैं आप देखोगे टैक्स वाइज डिफरेंट क्वेश्चन हैं एंड लिस्ट पे भी आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार हम क्वेश्चन करें कैसे हम कोई से भी क्वेश्चन करने लगे या स्पेसिफिक टॉपिक के करें या डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग करें तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दो सेट के बच्चे होंगे यहाँ पे पहले सेट वाले बच्चे वो हैं जिनको पता है कि यार मुझे अभी कुछ नहीं आता डेटा स्ट्रक्चर सलवर्धन में मैंने सिर्फ थोड़ा बेसिक्स पढ़ रखा है बट मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल अभी जीरो है तो उनके लिए सजेशन है यार आप टॉपिक बाई टॉपिक करो क्यों लेट से आपने शुरू किया क्वेश्चन करना इधर उधर से आपने डीपी करना शुरू कर दिया और आपको रिकर्शन का ही कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इन दैट केस आपके लिए डीपी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो इसलिए आप टॉपिक बाय टॉपिक करो आप आओ यहां पे वेबसाइट पे आप टैक्स में आओ आप टैक्स में सेलेक्ट कर लो यार कि मुझे पहले एरएस के क्वेश्चन करने हैं और आप एस के क्वेश्चन उठाओ एंड क्योंकि आप जस्ट शुरू कर रहे हो अभी आप ये भी डिसाइड कर सकते हो यार कि मैं एरे तो करूंगा साथ में डिफिकल्टी से अभी ईजी डाल देता हूं कि मैं पहले ईजी करूंगा अब यहाँ पे सेकेंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको पता है कि यार मेरी प्रैक्टिस हो रखी है अच्छी मैंने टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन कर रखा है उनके लिए सिंपल सजेशन है कि आप यहाँ पे आओ और टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन मत करो आप यहाँ पर आओ एंड डायरेक्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करो बेस्ड अपॉन डिफिकल्टी अगर आपको लगता है कि यार आपने इनफ प्रैक्टिस कर रखी है तो डायरेक्ट मीडियम क्वेश्चन से शुरू करो ईजी पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको लगता है नहीं यार मैंने क्वेश्चन तो डिफरेंट डिफरेंट करे हैं बट शायद मुझे पहले ईजी से शुरू करना चाहिए क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस अभी उतनी अच्छी नहीं है तो ईजी से शुरू करो

आई होप दैट मेक्स सेंस अब यार क्वेश्चन के बारे में एक चीज और बता दूं अगर आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है तो ऐसा मत करना कि एक डिफिकल्टी लेवल पे ही क्वेश्चन करते चलो लेट से आपने यहाँ पे इजी वाले क्वेश्चन से पहले शुरू किया अब आप आपको लग रहा है कि यार आपने इतने सारे इजी क्वेश्चन कर लिए हैं एंड आपसे इजी क्वेश्चन अब झट से बन जा रहे हैं रुक जाओ इजी से अब आप कहो कि यार अब मैं इजी नहीं करूंगा इजी में हटाऊंगा एंड अब मैं मीडियम वाले करूंगा अब आप मीडियम पिक करो एंड मीडियम वाले क्वेश्चंस करो

अब जब आप यहाँ पे प्रॉब्लम उठाओगे आप पहले ही देख लोगे कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिन लैंग्वेज में आप जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज यहाँ पे पिक करो या क्वेश्चन करना शुरू करो अब यार क्वेश्चन करने के वक्त आप देखोगे कि क्वेश्चन तो आप यहाँ कर ही सकते हो एक और बहुत शानदार चीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी टाइमर यूज करो देखो इनके पास टाइमर का कॉन्सेप्ट है जब आप ये टाइमर यूज़ करोगे ना तब आप एक्चुअल में देखोगे यार कि आप एक क्वेश्चन करने में कितना देर लगा रहे हो क्योंकि एक्चुअल इंटरव्यू में तो आपको एक घंटे मिलेगा और उसमें आपको दो सवाल करने होंगे अब यहां पे आप एक क्वेश्चन करने में ही अगर दो घंटे लगा रहे हो तो ये तो हमारी अच्छी डेटा एल्गोरिथम की प्रिपरेशन नहीं हुई ना तो इसलिए ये टाइमर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सेकंड चीज है यार देखो अगर क्वेश्चन कभी ना समझ में आए यहां पे हिट वाला सेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है रुक जाओ मैं दूसरे क्वेश्चन में दिखा देती हूँ बट कई से क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको हिंट भी दिख रहा होता है साथ साथ लेक लेट से ये ओपन कर लेते हैं यस yes. देखो आपको यहाँ पे हिंट दिख गया तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने की जगह एक बार देख लो कि हिंट आपको हेल्प कर सकता है कि अगर हिंट गिवन है क्योंकि जनरली इंटरव्यूज में भी यही हो रहा होता है कि इंटरव्यूअर आपको हिंट देता है देन हिंट के हेल्प से आप आगे नेविगेट कर रहे होते हो हिंट समझ में आया अब यार हिंट समझ लिया हमने टाइमर समझ लिया हमने अब देखो जब आपको क्वेश्चन सॉल्व भी अगर कर लो ना अगर आपसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो भी जा रहा है तो अभी मैं आपको एक बार रिकमेंड करूंगी कि लीड कोड का डिस्कशन वाला जो सेक्शन होता है ना वो जरूर पढ़ना यार इस डिस्कशन सेक्शन में ना कई बार हम किसी आई मीन प्रॉब्लम को मुझे याद है मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैं एक प्रॉब्लम कर रही लेट से मैंने इस डायरेक्शन से सोचा कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी मैंने डिस्कशन देखा देखा यार कि सिर्फ यही नहीं ये भी अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एंड बहुत खतरनाक एंड अच्छे अप्रोचेस इस डिस्कशन सेक्शन में आपको पता चलते हैं तो मेरा एडवाइस रहेगा यार डिस्कशन तो जरूर से जरूर देखना ठीक है बाकी अब यार यहाँ पे सॉल्यूशन है सबमिशन है तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो कि डिफरेंट लोगों ने क्या क्या सॉल्यूशन सबमिट करा एंड सम अगर आपको वो चीज हेल्प कर रही है

जैसे ही आप सेव करोगे ये टू डू, डू लिस्ट में चली गई अब मैं दिखाती हूँ ये टू डू लिस्ट आपको कहां से दिखेगा जब वापस आप प्रॉब्लम सेक्शन पे आओगे ना लेट्स से मैं वापस प्रॉब्लम सेक्शन पे आती हूँ एंड वहां पर लिस्ट में देखोगे ना एक नई लिस्ट बन के आ गई ये टू डू अब यार ये टू आपको क्वेश्चन अपने टू डू में दिख गया क्या यार ये टू डू में मेरे को क्वेश्चन है बाद में मुझे जब भी करना होगा मैं यहां से आके डायरेक्टली कर लूंगा या कर लूंगी ठीक है तो यार ये बहुत अच्छी चीज है यहीं पर आपको अपना टू डू लिस्ट रिविजन लिस्ट जो भी बनाना है आप बना सकते हो एंड नेक्स्ट टाइम जब आप वापस क्वेश्चन करने आओगे तो आपको पता होगा यार की पांच दस क्वेश्चन है जो मुझे रिवाइज करना है तो ये एक बहुत अच्छा चीज है यार जो मैं यूज किया करती थी अपने टाइम में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसका यूज करो अब तक यार हमने ये समझ लिया कि हिन्स कैसे यूज कर सकते हैं सोल्यूशन का बेनिफिट उठाओ अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट जो बीच में मैं आपको बताना भूल गई ब्रेक स्लो अगर आप बहुत देर से एक ही चीज कर रहे हो ना एंड आपसे अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है एक बार ब्रेक लो एंड वापस से आओ उस चीज को देखो क्योंकि अगर आप बार बार सेम अप्रोच सेम अप्रोच से सोच रहे होगे एंड शायद वो ब्रेक आपको हेल्प कर दे कि जब आप फिर से आके वही क्वेश्चन देखो तो आप एक डिफरेंट अप्रोच से सोचने लगो ये समझ में आ जाता है यार एक ही अप्रोच बार बार अप्लाई करके कि क्वेश्चन इस अप्रोच से नहीं होगा लेकिन समाव आपका दिमाग स्टक हो जाता है आप कुछ और सोच नहीं पाते हो तो वो ब्रेक आपको इस चीज में हेल्प कर सकता है अब ये भी हो सकता है यार कि उस वक्त आप ब्रेक नहीं लेना चाह रहे हो तो आप उस जस्ट क्वेश्चन को अपने बाद में कभी करने वाले लिस्ट में डाल दो कि आज ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ लेट से मैं इसको एक दिन बाद या दो दिन बाद रीट्राई करूंगा आप ये चीज भी कर सकते हो ठीक है तो अब तक हमने ये सारी चीजें समझ ली कि कैसे आपको स्टेटस वाइज क्वेश्चन करने आप क्या लिस्ट वाइज करोगे आप कैसे डिफिकल्टी वाइज करोगे अब एक चीज और यहां बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो चुका है आपको सिर्फ एक फाइनल रिविजन या टच की जरूरत है तो आप इस लिस्ट का यूज कर सकते हो यार ये लिस्ट आप बेसिकली देखोगे इनके टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ पे लगभग वन से ज्यादा यार आपको यहाँ पे क्यूरेटेड प्रॉब्लम मिलते हैं जो की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसी एमेजोन हो गई माइक्रोसॉफ्ट हो गई गूगल हो गई मिटा हो गई इन कंपनीज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस के इन्होंने लिस्ट बना रखे हैं तो ये एकदम अपना लास्ट सेट ऑफ रिवीजन की तरह यूज करना कि अब मैंने सब कर लिया और मैंने ये क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स भी कर लिए अब यार ये तो हमने रिवीज़न की बात करी है एंड बात करी कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे चीजें बट यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट को अंडर एस्टिमेट मत करना ये प्रिपरेशन जब आप खुद से करते हो ना तो आप दूसरे लोगों के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो एक टाइम बाउंड एनवायरमेंट में और प्रेशर में चीजें नहीं कर रहे हो कॉन्टेस्ट आपको वहां हेल्प करेगा मैं पहले आपको लीडकोट पर दिखा देती हूँ यार इनके दो बहुत फेमस कॉन्टेस्ट होते हैं एक वीकली कॉन्टेस्ट और एक बाई वीकली कॉन्टेस्ट मेक श्योर करो यार इस यार्टेस्ट में पार्ट लो दो बेनिफिट्स हैं सबसे पहले आप वो टाइम बाउंड एनवायरमेंट और प्रेशर में तो चीजें करना सीखोगे सेकेंड इसकी आपकी खुद की रेटिंग भी डेवलप होगी जो बाद में आप अपने रेज्यूमे में हाईलाइट कर सकते हो कि यार लीडकोट पर मैं बहुत एक्टिव था और ये मेरी हाइएस्ट रेटिंग है ये चीजें काफी वैल्यू एड कर देती है रेज्यूमे में भी ये देखो अगर आपको कभी भी लग रहा है कि यार ये वीकली या बाई वीकली कॉन्टेस्ट आपने मिस कर दिया तो एक और तरीका है कॉन्टेस्ट देने का वो है वर्चुअल कॉन्टेस्ट आप नीचे आओ और देखो यही जो पास्ट के कॉन्टेस्ट होते हैं वो वर्चुअल हो जाते हैं वर्चुअल का मतलब बस इतना है कि आप ये तो दोगे पर जो भी आपकी रेटिंग्स आएंगी वो नहीं होंगी आपके एक्चुअल प्रोफाइल की रेटिंग में बट आप बिल्कुल उसी तरीके से दोगे मैनर होगा आपका कि दो घंटे का टाइम है तीन घंटे का टाइम आपको ये दो से तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सबमिट करने हैं एंड आप सोल्यूशन वाली चीजें भी बाकी देख सकते हो तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी जो कि मैंने बताया कि वो हैबिट डेवलप करने में एंड सेकंड कॉन्टेस्ट में कई बार ऐसा होगा कि आप प्रॉब्लम

अब यार कभी भी एक चीज कभी भी अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना तो डायरेक्ट ये मत सोचो कि लैपटॉप उठा के कोडिंग करने लगू ये एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि थिंक ट्वाइस कोड वंस पहले दिमाग में सोचो यार अच्छे से कि क्या सोच रहे हो ड्राई रन करके देखो कि ये अप्रोच ये चीज सॉल्व कर रहा है कि नहीं ये एज केसेस कवर हो रहे हैं कि नहीं ताकि जब आप एक्चुअल में आप कोड करो ना तो ऐसा हो कि आप एक बार रन सबमिट प्रेस करो एंड सारे टेस्ट केसेस एज ऐसे ग्रीन हो जाए ठीक है मैं समझ रही हूँ हमेशा ऐसा नहीं होगा पर एम उस चीज को करना है ये नहीं कि यार टूटा फूटा कोड लिख दिया तीन टेस्ट केसेस पास हुए सात गलत हो गए फिर कुछ चेंज किया फिर देखा चार टेस्ट केसेस पास हुए छह गलत हुए ऐसा करके आप चार बार पांच बार छह बार मतलब कोड कर रहे हो कोड कर रहे हो कोड कर रहे हो एंड देन चीजें सही हो रही है ऐसे नहीं करना है मेक श्योर करो कि स्टार्ट में ही मैक्सिमम टेस्ट केसेस आपके पास हो जाए हाँ ठीक है एक दो एज केसेस रह जाते हैं जो जैसे गलत होंगे आप खुद से करोगे, समझ होगा मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूं अपने इंटरव्यू का, का इंटरव्यू दे रही थी मैं फाइनल में बैठी थी एंड इंटरव्यूअर ने मुझसे स्ट्रिक्टली बोला कि अंश का यह प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तुम इसका सोल्यूशन लिखो एंड जस्ट लीव इट मैं तुमको कुछ नहीं बताने वाला हूं ये सही है ये गलत है तुमको एक सॉल्यूशन लिखना है मेक श्योर sure करना है कि वो सॉल्यूशन सही हो जब तुम चली जाओगी तो ऑफलाइन मोड में मैं उस सॉल्यूशन को इवेलुएट करूंगा अगर तुम्हारा सॉल्यूशन सही हुआ तो ये तुम आगे बढ़ोगी नहीं सही हुआ तो तुम आगे नहीं बढ़ोगी वो आपका एक्चुअल में प्रेशर होता है यार आप एक बार में सही सॉल्यूशन लिखो बार बार आपको कोई बताएगा नहीं कि आप गलत लिख रहे हो एंड वो हैबिट यहीं से डेवलप होगी यार सोचो ज्यादा फिर लिखो ये नहीं कि बार बार लिख के चीजें सही करो आई होप चीजें बना रही है तरह तो ये हो गया अपना अभी यहां पे देखो एक मैं बहुत एक और अच्छी चीज बता देती हूँ कई बार आप क्या करते हो आप कहते हो कि यार मेरा गूगल का नेक्स्ट इंटरव्यू है मुझे गूगल स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखने है, या माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखने है। ये भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है तो आप लीड कोड पर जब आते हो ना तो यहाँ राइट साइड देखते हो ये बताते हैं कि हम कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम देख सकते हो लेकिन जैसे ही आप खोलोगे ये बोल देंगे कि यार हमारा प्रीमियम लो नहीं तो आप नहीं देख पाओगे तो इसका मैं एक और आपको सोल्यूशन बताते हैं एक बहुत ही फेमस गिठ गिठ रेपो है आप ये

आप आओ यहाँ पे जो भी कंपनी को आपको देखना है मैक्सिमम बहुत सारी कंपनीज इन्होंने ऑलरेडी डाल रखी हैं देखो कितनी बड़ी लिस्ट है आप आओ यहाँ से पिक करो एंड जाके सॉल्व कर लो अगर आप कोई स्पेसिफिक कंपनी वाइज चीज़ें सॉल्व करना चाहते हो तो यार यही है लीड कोड का मैंने आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिखाया इसके अलावा भी कुछ कुछ छोटी चीजें हैं जिसपे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूं जैसे कि आप यहाँ पे इंटरव्यूज में आके असेसमेंट भी दे सकते हो असेसमेंट के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रही कि देखो सिर्फ तीन असेसमेंट ही है जो फ्री है बाकी सारे आपके लगभग प्रीमियम वाले हैं बट आप चाहो तो यार ये तीन असेसमेंट फ्री वाले दे सकते हो सो दैट्स ऑल यार इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको डेटा स्ट्रक्चर सेल करता कैसे पढ़ना है इस वेबसाइट का हेल्प लेके वो बताना चाहती थी अगर वीडियो आपने अभी तक देखी है एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है सो मेक श्योर करो आप वीडियो को लाइक करो एंड कॉमेंट्स में आकर बताओ बताओगा इसकी आपने वीडियो एंड तक देखी काफ़ी हेल्पफुल लगी जब आप ऐसे कमेंट करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मुझे लगता है कि मेरी वीडियो के थ्रू आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाती रहूं। मिलते हैं फिर दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ तब तक के लिए बाय